नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है देवकी नंदन खत्री कृत उपन्यास चंद्रकांता संतति, खंड 3, दसवां भाग, बयान 4। रात पहर से ज़्यादा जा चुकी है। आज की रात मामूली से ज़्यादा अंधेरी मालूम होती है, क्योंकि आबोताब से चमक लेकर पांचों सवारों में गिनती करने वाले तारों की थोड़ी रोशनी को दिन भर तेज़ी के साथ चले हुए हवा के झपेटों की सहायता से ऊपर की तरफ उठे हुए गर्द गुबार ने अपना गंदला सामियाना खींचकर ज़मीन तक आने से रोक रखा है। दिन भर के कामकाज से थके और आंधी के झोंकों तथा गर्द गुबार से दुखी आदमी इस समय सड़कों पर घूमना पसंद न करके अपने अपने झोपड़ों, मकानों और महलों में आराम कर रहे हैं। इसलिए काशीपुरी के बाहरी प्रांत की सड़कों पर कुछ विचित्र सा सन्नाटा छाया हुआ है। केवल एक आदमी शहर की हद पर बहने वाली बरना नदी पार करके त्रिलोचन महादेव की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ा चला जाता है और उसे टोकने या देखने वाला कोई भी नहीं। यह आदमी आधी रात के पहले ही मनोरमा के मकान के पास जा पहुंचा, जिसमें इस समय केवल नागर रहती थी। यहां पहुँच वह सीधे फाटक की तरफ चला गया। देखा कि फाटक बंद है, मगर उसकी छोटी खिड़की अभी खुली हुई है और उस राह से झांक कर देखने से मालूम होता है कि भीतर की तरफ दो आदमी टहल टहल कर पहरा दे रहे हैं। वह आदमी बेधड़क छोटी खिड़की की राह से भीतर घुस गया और दोनों पहरा देने वालों से बिना साहब सलामत किए या बिना कुछ कहे अपनी जेब टटोलने लगा। एक पहरे वाले ने ताजुब में आकर उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? इसके जवाब में आगंतुक ने एक चिट्ठी उसके हाथ पर रखकर कहा, यह चिट्ठी बहुत जल्द उसके हाथ में दो जो इस मकान में सबका सरदार मौजूद हो। सिपाही, पहले तुम अपना नाम बताओ और यह कहो कि तुम किसके भेजे हुए आए हो और इस चिट्ठी का मतलब क्या है। आगंतुक, तुम अपनी बातों का जवाब मुझसे नहीं पा सकते और ना इस चिट्ठी के पहुंचाने में विलम्ब कर सकते हो। ताजुब नहीं कि तुम सफाई के साथ यह कहो कि मकान मालिक इस समय आराम के साथ खर्राटे ले रहा है और हम उसे जगा नहीं सकते, मगर याद रखो कि यह समय बड़ा ही नाजुक बीत रहा है और एक पल भी व्यर्थ जाने देने लायक नहीं है। अगर तुम मुझसे कुछ पूछताछ करोगे तो मैं बिना कुछ जवाब दिए यहाँ से चला जाऊँगा और इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, क्योंकि सवेरा होने से पहले इस मकान में रहने वाले जितने हैं सब के सब यमलोक को सिधार जाएंगे और सब कसूर तुम्हारा ही समझा जाएगा। खैर, मुझे इन बातों से क्या मतलब, लो मैं जाता हूँ। सिपाही, सुनो सुनो, लौटे क्यों जाते हो? मैं यह चिट्ठी अभी अपने मालिक के पास पहुँचाए देता हूँ, मगर यह तो बताओ कि ऐसी कौन सी आफत आने वाली है और उसका क्या सबब है। आगंतुक, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हारी बातों का कुछ जवाब नहीं दिया जाएगा। तुमने पुनः पूछने में जितना समय नष्ट किया, समझ रखो कि उतने समय में दो आदमियों का बेड़ा पार हो गया। बस मैं फिर कहता हूँ कि अभी चले जाओ, मैं जो कुछ कहता हूँ तुम लोगों के भले ही के लिए कहता हूँ। इस आए हुए आदमी की धमकी लिए हुए जल्दबाजी ने उस पहरे वाले को, बल्कि और सिपाहियों को भी जो उस समय वहाँ मौजूद थे और उसकी बातें सुन रहे थे, बदहवास कर दिया। फिर उससे कुछ पूछने की हिम्मत किसी की ना पड़ी। वह सिपाही जिसके हाथ में चिट्ठी दे गई थी कुछ सोचता विचारता बाग के अंदर वाले मकान की तरफ रवाना हुआ और नज़रों से गायब होकर आधे घंटे तक न आया। तब तक वह आदमी जो चिट्ठी देने आया था फाटक ही में एक किनारे चुपचाप खड़ा रहा। सिपाहियों ने कुछ पूछना चाहा, मगर उसने किसी की बात का जवाब न दिया और सिर नीचा किए इस ढंग से ज़मीन को देखता रहा जैसे बड़े गौर और फिक्र में कुछ विचार कर रहा हो। आधे घंटे के बाद जब वह सिपाही लौट कर आया तो उसने आगंतुक से कहा, चलिए, आपको नागर जी बुला रही हैं। आगंतुक ताजुब से, नागर जी क्या इस समय इस मकान में वही मालिक की तौर पर हैं? मैं तो माया रानी से मिलने की आशा रखता था। सिपाही, इस समय नागर जी के सिवा यहाँ और मालिक लोग नहीं हैं। क्या तुम्हारी चिट्ठी इस लायक न थी कि नागर जी के हाथ में दी जाती? क्योंकि मैंने देखा कि चिट्ठी पढ़ने के साथ ही फिक्र और तरद्दुद ने उनकी सूरत बदल दी। आगंतुक, नहीं, कोई विशेष हानि नहीं है,
खैर चलो मैं चलता हूँ। वह आगंतुक सिपाही के पीछे पीछे उस मकान की तरफ रवाना हुआ जो इस बाग के बीचों बीच में था और क्यारियों के बीच बनी हुई बारीक सड़कों पर घूमता हुआ मकान के पिछली तरफ जा पहुँचा। इस जगह मकान के दोनों तरफ दो कोठरियाँ थीं। दाहिनी तरफ वाली कोठरी तो बंद थी मगर बाईं तरफ वाली कोठरी का दरवाज़ा खुला हुआ था और भीतर चिराग जल रहा था। दोनों आदमी उस कोठरी के भीतर गए। वहाँ ऊपर की छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थीं। उसी राह से दोनों ऊपर की छत पर चले गए और एक कमरे में पहुँचे जहाँ सिवाय सफ़ेद फर्श के और कोई सामान ज़मीन पर ना था। सामने की दीवार में दो जोड़ी दीवार गिरों की थी जिनमें मोटी मोटी मोमबत्तियाँ जल रही थीं और उनकी रोशनी में इस कमरे में अच्छी तरह उजाला हो रहा था। इस कमरे में बाईं तरफ एक कोठरी थी जिसके दरवाजे पर लाल साटन का पर्दा पड़ा हुआ था। वह आदमी उसी पर्दे की तरफ मुँह करके खड़ा हो गया क्योंकि इस कमरे में सिवाय इन दो आदमियों के और कोई भी न था। इन दोनों आदमियों को बहुत बड़ी देर तक वहाँ खड़े रहना पड़ा और इसी बीच में उस आदमी को जो चिट्ठी लाया था मालूम हो गया कि पर्दे के अंदर से किसी ने उसे अच्छी तरह देखा है। थोड़ी देर में पर्दे के अंदर से दो लौंडियाँ चुस्त और साफ पोशाक पहने हाथ में नंगी तलवार लिए बाहर निकली और इसके बाद उसी तरह की बेशकीमती पोशाक पहने नागर भी पर्दे के बाहर आई। उसकी कमर में वही तिलिस्मी खंजर था और उंगली में उसके जोड़ की अंगूठी मौजूद थी। नागर ने उस आए हुए आदमी की तरफ देखकर कहा, तुम किसके भेजे हुए आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? मुझे ख्याल आता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है मगर याद नहीं पड़ता कि कब और कहाँ। इस आदमी की उम्र लगभग 40 या 45 वर्ष के होगी। इसका कद लंबा और शरीर दुबला मगर गठीला, रंग गोरा, चेहरा खूबसूरत और रोबीला था। बड़ी बड़ी मूछें दोनों किनारों से ऐठी और घूमी हुई थी। आंखें बड़ी और इस समय कुछ लाल थी। पोशाक यद्यपि बेस कीमत न थी मगर साफ और अच्छे ढंग की थी। चुस्त पायजामा घुटने के चार अंगुल नीचे तक का चपकन और उस पर से एक ढीला चोगा पहने और सिर पर भारी मुड़ासा बांधे हुए था। सरसरी निगाह से देखने पर वह कोई छोटा या बदरूप आदमी नहीं कहा जा सकता था। नागर की बात सुनकर वह आदमी कुछ मुस्कुराया और बोला, केवल इतना ही नहीं, आप अभी बहुत कुछ मुझसे पूछेंगी मगर मैं किसी के सामने आपकी बातों का जवाब नहीं दिया चाहता क्योंकि मैं एक नाजुक काम के लिए आया हूँ। यदि किसी तरह का खौफ न हो तो सिपाही और लौंडियों की तरफ इशारा करके इनको हट जाने के लिए कहिए और फिर जो कुछ चाहे पूछिए, मैं साफ जवाब दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर नागर ने अपने तिलिस्मी खंजर की तरफ देखा जो कमर से लटक रहा था। मानो उस खंजर पर उसे बहुत भरोसा है और इसके बाद सिपाही तथा लौंडियों को वहाँ से हट जाने का इशारा करके बोली, नहीं नहीं, मुझे तुमसे खौफ खाने का कोई सबब मालूम नहीं होता। आदमी, सिपाही और लौंडियों के हट जाने के बाद, हाँ अब जो कुछ आपको पूछना हो पूछिए, मैं जवाब दूंगा। नागर, मैं फिर पूछती हूँ कि तुम किसके भेजे हुए आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं अवश्य देखा है। आदमी, मेरा नाम श्यामलाल है और तुमने मुझे उस समय देखा होगा जब तुम्हारा नाम मोती जान था और तुम बाजार में कोठे के ऊपर बैठकर अपने कटाक्षों से सैकड़ों को घायल किया करती थी। रंडियों के लिए यह मामूली बात है कि जब विशेष दौलत हो जाती है तब वे उन दोस्तों को भूल जाती हैं जिनसे किसी जमाने में थोड़ी रकम पाई हो, चाहे वह उस समय कितना ही गाढ़ा मुलाकाती क्यों न रह चुका हो। मैं यह ताने के ढंग पर नहीं कहता बल्कि इस उम्मीद पर कहता हूँ कि पुरानी मुलाकात की याद कर मुझे साफ करूँगी क्योंकि इस समय तुम एक ऊँचे दर्जे पर हो। नागर नाग भौं सिकोड़ कर, जिससे मालूम होता था कि श्यामलाल की बातों से वह कुछ चिढ़ गई है, हाँ खैर मैंने तुम्हें पहचाना, अच्छा अब बताओ कि तुम क्या चाहते हो। श्यामलाल मुस्कुराकर, बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे विदा करो और चुपचाप यहाँ से चले जाने दो। नागर, नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है, मैं उस चिट्ठी का भेद जानना चाहती हूँ जो मेरे सिपाही के हाथ तुमने भेजी है और जिसमें केवल इतना ही लिखा है कि लक्ष्मी देवी के प्रकट हो जाने से अनर्थ हो गया, अब माया रानी और उसके पक्षपातियों को एकदम भागकर अपनी जान बचाना उचित है। चिट्ठी दिखाकर देखो, यही है ना।
हाँ यही है, मगर इसमें यह भी लिखा है कि नहीं तो 12 घंटे के बाद फिर कुछ करते धरते ना बन पड़ेगा। नागर, हाँ ठीक है, यह भी लिखा है, मगर यह बताओ कि लक्ष्मी देवी कौन है और उसके प्रकट हो जाने से हमारा क्या नुकसान है। श्यामलाल ताजुब से नागर का मुँह देखकर, क्या तुम लक्ष्मी देवी वाला भेद नहीं जानती हो? क्या यह भेद माया रानी ने तुमसे छिपा रखा है? खैर, अगर यह बात है तो मैं भी इस भेद को खोलना उचित नहीं समझता। अच्छा, यह तो बताओ माया रानी कहाँ है, मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ। नागर, क्या माया रानी तुम्हारे सामने हो सकती है? क्या तुम नहीं जानती कि उनका दर्जा कितना बड़ा है और उन्हें कोई गैर मर्द नहीं देख सकता? श्यामलाल, मैं सब कुछ जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि वह मुझसे पर्दा न करेगी। नागर, शायद ऐसा ही हो, लेकिन इस समय वह किसी काम से गई हैं और यहाँ नहीं है। श्यामलाल, अगर ऐसा ही है तो मैं भी जाता हूँ और तुमसे कह जाता हूँ कि जहाँ तक हो सके जल्द भाग कर अपनी जान बचाओ। यह कहकर श्यामलाल पीछे की तरफ लौटा, मगर नागर ने उसे रोक कर कहा, सुनो, तुम अभी कह चुके हो कि हमारे पुराने दोस्त हो, तो क्या तुम मुझ पर कृपा करके पुरानी दोस्ती को याद करके लक्ष्मी देवी वाला भेद मुझे नहीं बता सकते? क्या तुम साफ साफ नहीं कह सकते कि हम लोगों पर क्या आफत आने वाली है? श्यामलाल, बेशक मैं तुम्हारी दोस्ती का इकरार कर चुका हूँ और अब भी यह कहता हूँ कि अभी तक तुम्हारी मोहब्बत ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, मगर कुछ सोचकर, अच्छा लो, मैं एक चिट्ठी देता हूँ, इसके पढ़ने से तुम्हें सब हाल मालूम हो जाएगा, मगर कोठरी के दरवाजे पर पड़े हुए पर्दे की तरफ देखकर मुझे शक है कि इस पर्दे के अंदर से कोई लौंडी छिपकर ना देखती हो। नागर, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, लो मैं तुम्हारा शक दूर किए देती हूँ। यह कहकर नागर ने आगे बढ़कर वह पर्दा किनारे कर दिया और कोठरी का दरवाज़ा बंद कर दिया। श्यामलाल ने नागर की तरफ चिट्ठी बढ़ाकर कहा, देखो, मैं निश्चय करके आया था कि यह चिट्ठी सिवाय माया रानी के और किसी के हाथ में न दूंगा, क्योंकि उसे मैं दिल से चाहता हूँ और उसी की खातिर इतना कष्ट उठाकर आया भी हूँ। सच तो यह है कि वह भी मुझे जी जान से मानती और प्यार करती है। नागर, अफसोस और ताजुब की बात यह है कि तुम माया रानी की शान में ऐसी बात कह रहे हो। निसंदेह तुम झूठे और दगाबाज हो। माया रानी को क्या पड़ी है कि वह तुमसे मोहब्बत करे? क्या वह भी मेरी तरह से गंधर्व कुल को रौनक देने वाली है? श्यामलाल हंसकर और चिट्ठी वाला हाथ अपनी तरफ खींचकर, हा हा हा, जब तुम असल बातों को जानती ही नहीं हो तो मेरी बातें क्यों कर समझ सकती हो? तुम माया रानी की सखी कहलाने का दावा रखती हो, मगर मैं देखता हूँ कि माया रानी तुम्हें एक लौंडी के बराबर भी नहीं समझती। यही सबब है कि उसने अपना असली हाल तुमसे कुछ भी नहीं कहा। अफसोस, तुम्हें इतनी खबर भी नहीं है कि माया रानी मेरी सगी साली है। नागर चौंक कर, माया रानी तुम्हारी साली है और लक्ष्मी देवी? श्यामलाल, लक्ष्मी देवी वह है जिसकी जगह माया रानी मेरी और दरोगा की मदद, मगर नहीं, ओह मैं भूलता हूँ, जब माया रानी ने ही खुद अपना हाल तुमसे छिपाया तो मैं क्यों कहूँ। अच्छा, माया रानी आवे तो कह देना कि श्यामलाल आया था और कह गया है कि मैंने लक्ष्मी देवी और गोपाल सिंह का बंदोबस्त कर लिया है, अब तू बेफिक्र होकर बैठ और जहाँ तक हो सके मुझसे जल्द मिल। लेकिन अफसोस तो यह है कि इस मकान में रहने वाले आज गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और माया रानी को यहाँ आने का मौका ही ना मिलेगा। तब मैं यह सब बातें तुमसे क्यों कह रहा हूँ? अच्छा खैर, जाने दो, जहाँ तक हो जल्द भाग कर तुम अपनी जान बचाओ और जो कुछ दौलत यहाँ से निकाल कर ले जा सको लेती जाओ। लो, अब मैं जाता हूँ। नागर, सुनो सुनो, वह चिट्ठी जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे सो तो दिखा दो और इसके बाद मेरी एक बात का जवाब देकर तब जाओ। श्यामलाल कुछ सोचकर और नागर की तरफ चिट्ठी बढ़ाकर, खैर लो, तुम भी पढ़ लो, देखो तो सही अपनी साली की खातिर से कैसे खुशबूदार अंतरों से बसी हुई चिट्ठी तैयार करके मैं लाया था। अच्छा, कोई हर्ज नहीं, किसी ज़माने में तुम भी मुझे खुश कर चुकी हो, इसके पढ़ने से आने वाली आफत का पूरा पूरा हाल मिल जाएगा। मैं यह चिट्ठी इसलिए लिख लाया था कि शायद किसी सबब से मैं स्वयं माया रानी से ना मिल सकूँगा, तो यह चिट्ठी भेजकर
उसे आने वाली आफत से होशियार कर दूंगा और फिर वह स्वयं मुझसे मिल सकेगी। मगर अफसोस, उससे तो मुलाकात ही न हुई। खैर, इस चिट्ठी को पढ़ो, मगर बैठ जाओ और मुझे भी बैठने के लिए कहो, क्योंकि मैं खड़ा खड़ा थक गया हूँ। नागर ने अपने हाथ में चिट्ठी लेकर श्यामलाल को बैठने के लिए कहा और खुद भी उसी जगह बैठकर लिफाफा खोला। लिफाफे और चिट्ठी का कागज खुशबूदार चीज़ों से ऐसा बसा हुआ था कि लिफाफा हाथ में लेने और खोलने के साथ ही नागर का जी खुश हो गया। ऐसी मीठी और भली खुशबू उसके दिमाग में शायद आज तक न पहुंची होगी। चिट्ठी पढ़ने के पहले ही उसने कई दफ़े उसे सूंघा और आंखें बंद करके वाह वाह कहने लगी। मगर उस खुशबू का काम केवल इतना ही न था कि दिल और दिमाग को खुश करे, बल्कि उसमें मज़ेदार और आनंद देने वाली बेहोशी पैदा करने का भी गुण था। इसलिए चिट्ठी पढ़ने के पहले ही नागर के दिमाग की ताकत, जिससे चेतना और विचार शक्ति का संबंध है, बिल्कुल जाती रही और वह बेहोश होकर दीवार के साथ उठंग गई। उसकी हालत देखकर श्यामलाल आगे बढ़ा और पास जाकर बिना कुछ सोचे विचारे उसकी उंगली से वह अंगूठी निकाल ली, जो तिलिस्मी खंजर के जोड़ की और मामूली तौर की बिल्कुल सादी थी। अंगूठी लेकर श्यामलाल ने मुँह में रख ली और उसी रंग की दूसरी अंगूठी अपनी जेब से निकाल कर नागर की उंगली में पहना दी। इसके बाद अपनी कमर से एक खंजर निकाला जो चपकन और अबा के अंदर छिपा हुआ था। यह खंजर नागर की कमर में खोंसा और उसकी कमर से तिलिस्मी खंजर लेकर अपनी कमर में चपकन के अंदर छिपा लिया। श्यामलाल ये दोनों चीज़ें निसंदेह इसी काम के लिए तैयार करके ले आया था, क्योंकि वह खंजर और अंगूठी ठीक तिलिस्मी खंजर और अंगूठी के रंग ढंग के ही था। बहुत गौर करने पर भी किसी तरह का शक नहीं हो सकता था। खंजर और अंगूठी बदल लेने के बाद श्यामलाल ने वह खुशबूदार चिट्ठी भी नागर के हाथ से ले ली और उसके बदले में उसी तरह की दूसरी चिट्ठी उसके हाथ में रख दी। इस चिट्ठी में से उसी तरह की खुशबू आ रही थी। फर्क सिर्फ इतना ही था कि उसकी खुशबू बेहोशी पैदा करने वाली थी और इसकी खुशबू बेहोशी दूर करने की ताकत रखती थी, अर्थात लखलखे का काम देती थी। इस काम से छुट्टी पाकर श्यामलाल पीछे हटा और अपने ठिकाने बैठकर नागर के चैतन्य होने की राह देखने लगा। थोड़ी ही देर में नागर चैतन्य हो गई और आंखें खोलकर श्यामलाल की तरफ देख और उस चिट्ठी को पुनः सूंघ कर बोली, बेशक खुशबू बहुत ही अच्छी और प्रिय मालूम होती है, मगर मुझे क्या हो गया था, क्या मैं बेहोश हो गई थी? श्यामलाल हंसकर, वाह क्या खूब, केवल एक दफ़े आंख बंद करके खोल देने का ही अर्थ अगर बेहोशी है तो बस हो चुका, क्योंकि मेरी समझ में तुमने चार पल से ज़्यादा देर तक आंखें बंद नहीं की, सो भी इस खुशबू से पैदा हुई मस्ती के सबब था। नागर मुस्कुराकर, अगर तुम माया रानी के बहनोई ना होते तो मैं कुछ कह बैठती, क्योंकि ऐसे समय में जबकि जान बचाने की फिक्र पड़ रही है, जैसा कि तुम स्वयं कह रहे हो, तो इस तरह की दिल्लगी अच्छी नहीं मालूम पड़ती। अच्छा, अब मैं इस चिट्ठी को पढ़कर देखती हूँ कि तुमने क्या लिखा है। चिट्ठी को पढ़कर, वाह वाह, इसका मतलब तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता, मालूम होता है कि बहुत सी पहेलियाँ लिख कर रखी हुई हैं। श्यामलाल, बस बस, अब मुझे और भी निश्चय हो गया कि माया रानी तुम लोगों से मुँह देखी मोहब्बत रखती है, क्योंकि अगर वह तुम लोगों की कदर करती तो अपना भेद जरूर कहती, और अपना भेद कहती तो इस चिट्ठी का मतलब भी तुम जरूर समझ जाती, मगर उसने अदना से अदना भेद भी छिपा रखा जिसके बताने में कोई हानि ना थी। ठीक है, मुझे भी यही विश्वास होता है, मगर जब मुझ पर दया करके यह कह रहे हो कि जल्दी यहाँ से भागकर अपनी जान बचाओ, तो कृपा कर इसका सबब भी बता दो, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं सूझता कि मैं भागकर कहाँ जाऊँ और इस जायदाद के बचाने का क्या उद्योग करूँ। श्यामलाल, इसका जवाब मैं कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अगर तुम्हें कोई तरकीब बताऊँ या अपने साथ चलने के लिए कहूँगा तो तुम्हें मुझ पर अविश्वास होगा, क्योंकि तुम बहुत दिनों के बाद मुझे आज देख रही हो, सो भी ऐसे समय में जब तुम्हारा दिल राजकीय विषयों की उलझन में हद से ज़्यादा उलझा हुआ है। परंतु इतना कह देने में मेरी कोई हानि भी नहीं है कि राजा गोपाल सिंह के लिखे बमूजिब काशीराज
इस मकान को अपने कब्जे में कर लेने के बाद यहाँ के रहने वालों को कैद कर लेंगे। गोपाल सिंह ने सुना था कि माया रानी इस मकान में टिकी हुई है, इसलिए यह कार्रवाई और भी जोर के साथ की गई। मगर इतनी खैरियत है कि अभी तक वह आदमी इस शहर में नहीं पहुंचा जिसे राजा गोपाल सिंह ने चिट्ठी देकर काशीराज के पास भेजा है। हाँ, आशा है कि सवेरा होते होते वह शहर में आ पहुंचेगा। कुछ सोचकर क्या करें, आज तुम्हें देखकर तुम्हारी मोहब्बत फिर से नई हो गई। खैर, अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारी कुछ मदद इस समय भी कर सकूँगा। नागर, अगर इस समय तुम मेरी सहायता करोगी तो मैं जन्म भर तुम्हारा एहसान न भूलूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारी हो जाऊँगी और जो कुछ तुम कहोगी वही करूँगी। श्यामलाल, अच्छा तो अब मैं बयान करता हूँ कि इस समय तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। सुनो और अच्छी तरह ध्यान देकर सुनो। मैं उस आदमी को अच्छी तरह पहचानता हूँ जो गोपाल सिंह की चिट्ठी लेकर काशीराज के पास आ रहा है। मुझसे उसकी बहुत दिनों की जान पहचान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सवेरा होते ही वह आदमी बरना के किनारे आ पहुँचेगा। यदि वह किसी तरह गिरफ्तार कर लिया जाए तो बेशक कई दिनों तक तुम्हें सोचने विचारने का मौका मिलेगा, क्योंकि राजा गोपाल सिंह कई दिनों तक बैठे राह देखेंगे कि हमारा आदमी पत्र का जवाब लेकर अब आता होगा। नागर, बात तो बहुत अच्छी है, क्या तुम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते? श्यामलाल हंसकर, वाह वाह वाह, कहते शर्म तो नहीं आती। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि तुम थोड़े से सिपाही अपने साथ लेकर इस समय मेरे साथ चलो और शहर के बाहर होकर रास्ता रोक बैठो। जब वह आदमी आवेगा तो मैं इशारे से बता दूंगा कि यही है, फिर जो तुम्हारे जी में आवे करना। मगर मैं उसका सामना ना करूँगा, क्योंकि अभी कह चुका हूँ कि मेरी उसकी जान पहचान बहुत पुरानी है। नागर, जब तुम मुझ पर कृपा करके इतना काम कर सकते हो तो मेरे जाने की क्या ज़रूरत है। मैं थोड़े से सिपाही तुम्हारे साथ कर देती हूँ, समय पड़ने पर तुम। श्यामलाल, बस बस बस, अब मत बोलो, मैं समझ गया कि तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। मैं खुदगर्जों का साथ देना उचित नहीं समझता। केवल तुम्हारे ही बारे में नहीं बल्कि माया रानी के बारे में भी, जो मेरी साली होती है, मेरा यही ख्याल है कि वह परले सिरे की खुदगर्ज है। दूसरों को फंसाकर अपना काम निकालना और आप अलग रहना खूब जानती है। मगर मैं क्या करूं, अपनी स्त्री से लाचार हूं, जो मुझसे भी ज़्यादा माया रानी के साथ मोहब्बत रखती है और मैं उसे जान से ज़्यादा चाहता हूं। श्यामलाल की बातचीत कुछ अजब ढंग की थी, जिसमें हर जगह से सच्चाई की बू पाई जाती थी। बात करने के समय वह अपने चेहरे के उतार चढ़ाव को ऐसा दुरुस्त रखता था कि होशियार से होशियार आदमी को भी उस पर किसी तरह का शक नहीं हो सकता था। नागर को उसकी बातों पर पूरा विश्वास हो गया और वह इस उम्मीद पर कि राजा गोपाल सिंह के भेजे हुए आदमी को अवश्य गिरफ्तार कर लेगी, अपने साथ केवल थोड़े सिपाहियों को लेकर जाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद उसने अपनी कमर से लटकते हुए तिलिस्मी खंजर पर पुनः गंभीर निगाह डाली, मानो अपने सिपाहियों से ज़्यादा उस खंजर पर भरोसा रखती है। मगर उसे इस बात का गुमान भी ना था कि वह खंजर बड़ी खूबी के साथ बदल दिया गया है। नागर ने अपनी समझ में श्यामलाल को बहुत कुछ कह सुनकर मदद के लिए राजी किया और आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उसने श्यामलाल से आधी घड़ी की छुट्टी ली और उस कोठरी के अंदर चली गई जिसके दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था। आधी घड़ी के बाद वह बाहर आई और श्यामलाल से बोली, अब मैं हर तरह से तैयार हो गई, आप चलिए। इस समय भी नागर उसी पोशाक में थी जिसमें घड़ी भर पहले देखी गई थी। फर्क इतना ही था कि एक चादर उसके हाथ में थी जिसे फाटक के बाहर होते ही अपने को सिर से पैर तक ढांक लेने की नीयत से वह अपने साथ लाई थी। श्यामलाल को साथ लिए हुए नागर नीचे उतरी और चक्कर खाती हुई सदर फाटक के पास पहुंची। यहां उसने स्याह चादर में अपने को छिपा लिया और फाटक के बाहर रवाना हुई। श्यामलाल ने इस समय मामूली पहरा देने वाले सिपाहियों के अतिरिक्त 8 सिपाही हरबों से दुरुस्त वहां मौजूद पाए, जो फाटक के बाहर होते ही नागर और श्यामलाल के पीछे पीछे रवाना हुए।
नागर को इसके लिए कुछ कहने की जरूरत ना पड़ी, जिससे श्यामलाल समझ गया कि आधी घड़ी की छुट्टी में नागर ने यह इंतजाम किया है। ये दसों आदमी गंगा के किनारे उतरे और वहाँ से तेजी के साथ काशी के छोर पर बहने वाली बरना नदी की तरफ रवाना होकर आधे घंटे से कुछ ज़्यादा देर में वहाँ जा पहुँचे। इस समय आधी रात से ज़्यादा जा चुकी थी और चंद्रदेव उदय हो रहे थे। बरना नदी पार करने के लिए नदी से 20 गज ऊंचा एक मजबूत पुल बना हुआ था। इस पुल के दोनों बगल मुसाफिरों के आराम के लिए 12 दालान बने हुए थे और उसी जगह से पुल के नीचे उतरने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां भी बनी हुई थी। ये दसों आदमी जब उस पर पहुंचे तो नागर ने श्याम लाल से पूछा, कहिए इसी पार ठहरने का इरादा है या उस पार चलकर? जिसके जवाब में श्याम लाल ने कहा, बिना उस पार गए ठीक ना होगा। अब ये लोग पुल के उस पार रवाना हुए, मगर आधी दूर से ज़्यादा ना गए होंगे कि सामने से आते हुए दो घोड़ों की आहट मिलने लगी, जिसे सुनते ही श्याम लाल ने कहा, लीजिए हम लोगों को ज़्यादा ठहरना ना पड़ा, निसंदेह ये वे ही सवार हैं जिन्हें हम लोग गिरफ्तार किया चाहते हैं। बस अब जल्दी करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग तेज़ी के साथ निकल जाएं, क्योंकि ये घोड़ों पर सवार हैं और हम लोग पैदल। नागर ने अपनी कमर से खंजर निकाल लिया, जिसे वह तिलिस्मी समझे हुए थी, और इसके बाद अपने आदमियों की तरफ देख के बोली, देखो ये सवार जाने ना पावें, इन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए हम लोग आए हैं। बात की बात में वे दोनों सवार पास आ गए। नागर के सिपाही म्यान से तलवार निकाल कर खड़े हो गए और ललकार कर बोली, खबरदार आगे मत बढ़ना। मगर इतने में ही मालूम हुआ कि पीछे की तरफ से भी कई आदमी दौड़े आ रहे हैं। उस समय नागर घबरा गई और उसे निश्चय हो गया कि अब यहाँ से बचकर निकल जाना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ से घिर गए हैं। हाँ, तिलिस्मी खंजर की बदौलत अलबत्ते बच सकते हैं। नागर ने तिलिस्मी खंजर का, जो वास्तव में असली ना था, कब्जा दबाया, मगर किसी तरह की चमक पैदा ना हुई। तब उसने फिरकर श्यामलाल की तरफ देखा, मगर उसे कहीं ना पाया। अब उसके ताजुब की हद न रही और घबराहट के मारे वह ऐसी बौखला गई कि थोड़ी देर तक तन बदन की भी सुध जाती रही। इस बीच में वे आदमी भी जो पीछे से आ रहे थे आ पहुँचे और नागर के सिपाहियों पर टूट पड़े। वे लोग भी गिनती में उतने ही थे जितने नागर के सिपाही थे, मगर नागर के सिपाही इतने दिलावर और मजबूत ना थे कि उन आठों के मुकाबले में ठहर सकते। नागर डर के मारे चिल्लाकर एक किनारे हट गई और भागना चाहती थी, मगर मौका न मिला। वे दोनों सवार नागर की आवाज़ सुनकर पहचान गए कि वह औरत है। एक ने घोड़े से उतरकर उसे गोद में उठा लिया और उसके हाथ से खंजर छीनकर उसे दूसरे सवार के आगे बैठा दिया। इसके बाद खुद भी अपने घोड़े पर सवार होकर उसने ऊंची आवाज़ में ना मालूम किससे पूछा, यहाँ केवल एक नागर ही औरत है या और भी कोई औरत है? इसके जवाब में किसी ने कुछ दूर से पुकार कर कहा, अगर कोई औरत हाथ आ गई तो ले भागो और समझो कि यही नागर है। इस जवाब को नागर ने भी सुना और पहचान गई कि यह श्याम लाल की आवाज़ है। अपने सवाल का जवाब पाते ही सवार उत्तर की तरफ रवाना हो गए। इस समय चंद्रदेव पूरी तरह से निकलकर अपनी सफ़ेद चांदनी चारों तरफ फैला रहे थे। नागर के सिपाहियों को जब मालूम हुआ कि नागर गिरफ्तार कर ली गई तो उनकी ताकत और भी जाती रही। दो सिपाही तो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े और बाकी छह अपनी जान लेकर भागे। उस समय श्याम लाल भी आकर उन आठों बहादुरों के पास खड़ा हो गया और उन लोगों की तरफ देख के बोला, शाबाश, तुम लोगों ने अपना काम बड़ी खूबी के साथ पूरा किया, मैं बहुत खुश हूँ। अब बताओ मेरे लिए घोड़ा कहाँ है? श्याम लाल को देखते ही उन लोगों ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और एक यह कहकर उत्तर की तरफ बढ़ा कि ठहरिए, मैं घोड़ा लेकर अभी आता हूँ। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा और जब वह आदमी घोड़ा लेकर आ गया तो श्याम लाल घोड़े पर सवार हो गया तथा उन आठों से बोला, अच्छा अब तुम लोग रमापुर जाओ, मैं अपना काम करके तुमसे मिलूँगा। श्याम लाल भी उत्तर की तरफ रवाना हुआ और पुल के पार होकर उसने अपने घोड़े को तेज किया। जब लगभग एक कोस के गया
तो देखा कि वे दोनों सवार जो नागर को उठा लाए थे सड़क पर खड़े हैं। उन लोगों को देखकर श्यामलाल ने कहा, शाबाश मेरे दोस्तों, तुम लोगों की जितनी तारीफ की जाए थोड़ी है। अच्छा, अब यहाँ ठहरने का मौका नहीं है, चले चलो।